Okay, hi everyone. So today let's uh, discuss this interesting problem. So it says a boy is standing on a platform which is free to rotate about its axis. The boy holds an open umbrella in his hand. The axis of the umbrella coincides with uh, that of the platform. Uh, the movement of inertia of the platform plus the boy system is uh, 3 into 10 raised to the power minus 3 kilogram meter square, and that of the umbrella is 2 into 10 raised to the power minus 3. The boy starts spinning the umbrella about the axis at an angular speed of uh, two revolution per second with respect to himself. Find the angular velocity imparted to the platform, fine. So let me draw the diagram first. is the platform and it is free to ro rotate about uh, its axis. This is the axis of the platform, right? And there is a boy standing on the platform and uh, he is holding an umbrella in his hand such that axis of the umbrella, something like this, coincides with the axis of the platform now let me define my system i am taking my system as this umbrella this boy plus this platform this is my system now what happens uh, can you find the initial angular momentum of uh, this uh, system about this axis that will be zero because initially everything is at rest right nothing is revolving around this axis so initial angular momentum of the system is zero now what happens ki ye boy is umbrella ko rotate karna chahta so he will apply a torque on the umbrella right so the uh, torque applied by the boy on the umbrella will be an internal torque for the system because this boy and umbrella is uh, both are part of the system right so there will be you know equal and opposite torque applied by the boy on the umbrella and the umbrella on the boy so is there any external torque acting on the system no

सच दैट कि जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी जीरो नाउ लेट्स से कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अम्बरेला अबाउट दिस एक्सेस इज आई वन जिसका वैल्यू हमें दे रखा है एंड दिस बॉय प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम आई टू ले, ले लेते हैं सो आई वन और आई टू का वैल्यू हमें दे रखा है राइट right? सो so आप देखो आई वन इंटू ओमेगा वन दैट विल बी इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा टू वाई बिकॉज फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी ज़ीरो सो जितना एंगुलर मोमेंटम इस अम्ब्रेला का क्लॉक है उतना ही एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए इस बॉय प्लस प्लेटफॉर्म सिस्टम का इन एंटी क्लाक डायरेक्शन सो देयर फॉर आई वन इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई टू इंटू ओमेगा टू राइट नाउ आई वन का वैल्यू आपको दे रखा है टू इंट टेन एक्स टू दी पावर माइनस थ्री इंटू ओमेगा वन दैट इज इक्वल टू आई टू आई टू का वैल्यू आपको थ्री इंटू टेन एस टू दावर माइनस थ्री दे रखा है इंटू ओमेगा टू सो यहाँ से टाइस ऑफ ओमेगा वन दट विल बी थ्राइस ऑफ ओमेगा टू वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू राइट एंगुलर वालासिटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म सो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ओमेगा वन एंड ओमेगा टू सो so अभी एक इक्वेशन तो आ गई सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी रिलेटिव वेलासिटी दे रखा है रिलेटिव वेलासिटी ऑफ द अम्बरेला विथ रिस्पेक्ट टू द बॉय वॉट इट वुड बी दैट विल बी सिंपली ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू राइट दैट इज टू रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अभी हमने प्लस क्यों किया रिलेटिव वेलासिटी को देखो जब दो बॉडीज़ एक दूसरे से अपोजिट मूव करती हैं लेट्स से ये दो बॉडीज़ हैं इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में वी वन और वी टू से मूव कर रही हैं सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी वी वन प्लस वी टू और आप इस तरह से फील करो कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते मीन्स जनरली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं सो ओमेगा टू पॉजिटिव होगा एंटी क्लॉकवाइज सिमिलरली ओमेगा वन नेगेटिव होगा सो so जब आप माइनस करोगे ना तो ये फाइनली एड हो जाएगा लाइक ओमेगा टू पॉजिटिव है राइट दैट इज़ एंटी क्लॉक वाइज और ओमेगा वन नेगेटिव है सो इन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन लेंगे ना तो ऐड हो जाएंगी दोनों सो इसीलिए ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू दैट इज टू रिवोल्यूशन पर सेकेंड नाउ वी हैव टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स सो यहाँ से देखो ओमेगा वन इज़ थ्री बाई टू ऑफ ओमेगा टू नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा वन दैट इज थ्री बाई टू ऑफ ओमेगा टू प्लस ऑफ ओमेगा टू दैट इज़ यूअर टू सो फाइव अपॉन 2 of omega 2 is uh, 2, so omega 2 is nothing but 0.8 revolution per second. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion, we can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye. <laughs>